राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यह है सुबह मॉर्निंग का व्यू। हम निकल पड़े हैं अपने हॉस्पिटल की ओर। रास्ते का ये जो व्यू है मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ ग्रीनरी है, अच्छा लगता है देखने में, सुकून मिलता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो चुका है सुबह का टाइम, सुबह के 8 बज गए हैं और हम सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ आ चुके हैं हॉस्पिटल। क्या करें, सुबह उठना ही पड़ता है, फटाफट काम निपटाने ही पड़ते हैं। कितना भी आलस आए, सुबह सुबह हमको अपने कर्मस्थल में हॉस्पिटल में पहुंचना ही पड़ता है, पेशेंट के लिए काम करना ही पड़ता है। तो हम सुबह सुबह बड़ी फुल एनर्जी के साथ आ चुके हैं हॉस्पिटल में, और दिन भर क्या काम होगा, कैसे हम काम करेंगे, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। बहुत लगता है सुबह उठने में यार, फिर सुबह उठना, फिर वही जाना डेली का रूटीन। ठीक है, फिर भी वर्किंग वूमेन के लिए हम सबको ये सब करना ही पड़ता है, फैमिली भी देखना, फिर अपना हॉस्पिटल जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो, वर्क प्लेस है उसको भी मैनेज करना, यदि बच्चे हैं तो उनको भी मैनेज करना। बहुत कठिन काम होता है, पर ठीक है, मानता है। और आप सबका सपोर्ट है ही मेरे साथ, है ना। तो ऐसे ही आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट प्रॉपर बनाए रखें, जैसे मैं फुल एनर्जी के साथ और भी काम कर सकूं और भी आपको नई नई चीज़ें दिखा पाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत से, आज के काम से। ठीक है, अब हॉस्पिटल में आ गई है, फटाफट से काम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा देर के। फिर क्या था, आप सबसे मिलने के बाद फुल एनर्जी के साथ हम पहुंचे धन्वंतरि देवता के पास। ये हमारे आयुर्वेदिक के देवता कहलाते हैं। हमने इनको किया प्रणाम और उनसे प्रेयर की कि आज जो भी पेशेंट आए उनको बहुत अच्छे से रिकवरी देना, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए हमने शुरू कर दिया आज का काम। काम में सबसे पहले हमने सारे रजिस्टर का वर्क देखा। ऑटोक्लेव रजिस्टर जो थे वो कंप्लीट कुछ थे, मतलब कुछ इंडिकेटर्स नहीं लगे हुए थे, तो वो सारे इंडिकेटर्स लगाए मैंने और सारी एंट्री की, जितने पर डे का जो ऑटोक्लेव का है सारे इंडिकेटर्स एंट्री की। फिर उसके बाद फ्यूमिगेशन रजिस्टर भी मैंने देखा कि कम्प्लीट है या नहीं कम्प्लीट है, उसको भी मैंने कम्प्लीट किया। फिर इसके बाद हमने फ्यूमिगेशन के रजिस्टर को भी मेंटेन किया, ड्रेसिंग रजिस्टर भी चेक किया, ओटी का सर्जरी रजिस्टर भी चेक किया। जितना भी ओटी का डॉक्यूमेंट का काम होता है, रजिस्टर का वर्क होता है, रिटर्न वर्क, वो सारा वर्क मैंने निपटाया, वो सारा वर्क मैंने चेक किया कि सारे रजिस्टर मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया सफाई अभियान, क्योंकि ओटी में हमको क्लीनिंग करवानी थी, पूरे ओटी की धुलाई करवानी थी। तुरंत से हमने स्टाफ को बुलाया और सफाई अभियान जो भी स्टार्ट किया, सारी मशीनों को बाहर निकाला। इसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की, सारी चीज़ें क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि पेशेंट्स लेने थे और यहाँ पर केस हो गए हैं स्टार्ट, जो डॉक्टर्स हो गए आ गए हैं और यहाँ पर जो भी पीजी वाले हैं वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिस भी पेशेंट का सर्जरी होना है वो वेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके मेरी ड्यूटी लगा दी गई है एग्ज़ाम हॉल में, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ मुझे जाना है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिकल, रिटर्न प्रैक्टिकल तो हो चुका था, बाइबा स्टार्ट हो गया था। तो जिसका जिसका भी रोल नंबर आता जा रहा था वो आके अपना बाइबा देते जा रहे थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं या ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या आपको किसी विशेष टॉपिक में, स्पेशल टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताएं। लाइव यदि किसी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट को देखना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मशीनों के यूज़ के बारे में यदि आपको पूछना है, ओटी से रिलेटेड या जो भी टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो आप मुझे बता दें, मैं आपको उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपको परेशान नहीं होना है मेरे होते हुए, आपको जो भी नहीं बने वो आप मेरे से बिल्कुल भी बिना संकोच के आप मेरे से पूछो, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है, और भी जैसे आपको जो भी वीडियोज देखने हो, ब्लॉग्स देखने हो, तो आप मुझे जरूर कॉमेंट में कॉमेंट करके बताएं। बहुत ही प्यारा है, सीताराम सारी दिन की थकान ऐसे मिले।
से प्यार कर, बहुत अच्छा लगता है मतलब इसके साथ रहना। वही मैं और मेरी मम्मी इसके साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते हमने बहुत इंजॉय किया, खूब बहुत ज़्यादा मज़े किए, इसको भी बहुत इंजॉय कराया, ये भी बहुत खुश था। क्योंकि मैं बहुत टाइम तक नहीं रहती तो ये भी परेशान होता है, जब मैं जाती हूँ 2 बजे तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद शाम का टाइम हो गया तो हम और निकल पड़े मंदिर की ओर, गए हमने दर्शन किया। मैंने कहा मैं भी आपको भगवान के दर्शन करा दूँ। हमने भगवान का दर्शन किया, आरती का टाइम हो रहा था आरती की। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।